अल जदीद प्रॉपर्टी, दुनियाए तामीरात का एक रोशन सितारा, एक बाएतमाद नाम, जदीद तर्ज रिहाइश और अवाम का मयारे जिंदगी बुलंद करने वाले कई रिहायशी मंसूबों की कामयाबी के बाद अल जदीद गल्फ हिल्स, जिसके इफ्तिताह से पहले ही तरक्याती कामों का अपने आखिरी मराहिल में होना अल जदीद की पेशा वराना जिम्मेदारी के साथ साथ अवाम दोस्ती की भी एक आला मिसाल है। अल जदीद प्रॉपर्टी की अच्छी शोहरत और पेशा वराना जिम्मेदारियों की गूंज तामीराती शोबों में काम करने वाले हलकों में पहुंची तो एसके प्रॉपर्टी के सीईओ कामरान शेख, जो के अल जदीद गल्फ हिल्स के मास्टर सेल्स पार्टनर भी हैं, की दावत पर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के ओहदेदारान के वफ़द ने सदर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन एम रहमान की सरबराही में अल जदीद गल्फ हिल्स का दौरा किया। यहां आप पर यह भी वाजे कर दिया जाए कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन पूरे कराची के रियल्टर्स एसोसिएशन का एक ऐसा इत्तेहाद है जो पाकिस्तान की मईशत को परवान चढ़ाने वाले हजारों रियल्टर्स की फलाह बहबूद और रियल एस्टेट सेक्टर की कामयाबियों के लिए मसरूफ़े अमल है। इस अहम नशिस्त के बाद ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के ओहदेदारान और अल जदीद प्रॉपर्टी इंतजामिया अब साइट के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। वॉइस ऑफ डेल्टास के प्लेटफॉर्म पर बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। मैं मौजूद हूं इस वक्त अपनी नौयत के एक वाहिद रिहायशी मंसूबे पर, जिनके मालकान का कहना है कि हम ख्वाब नहीं हकीकत बेचते हैं। आज सब देखने में यह आया कि अमूमन जो है लोग जो हैं वो डेवलपमेंट बहुत बाद में करते हैं, और डेवलपमेंट होती भी है नहीं भी होती है, ये रिस्क कह लें इसको, ये अच्छी सोच कह लें। ये जो आपने बहादुरी का मुजाहरा किया कि डेवलपमेंट पहले की, यानी पैसा आपने बाद में पहले लगाया और बाद में अब आप इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ये ख्याल इतना मुनफरद ख्याल, ये किस तरह से आपके जहन में आया? देखिए, ये सारी चीज़ें ना आज भी बनानी है और कल भी बनानी है, ये मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें जो है अमानतें हैं। कोई बंदा एक प्लॉट भी बुक कराता है ना, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे उसकी चीज़ जो है वो डिलीवर करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे एक हमने सिस्टम ही रखा हुआ है कि कोई भी आप आके हमें ये नहीं बोलता है कि जी 200 लीजें जब पूरी हो जाएंगी जब हम कराएंगे। हम ये बोलते हैं भाई एक लीज भी है ना, मैं फ्राइडे वाले दिन नमाज़ की जुमे की नमाज के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस पर जाके साइन करके उनकी अमानत उसको दे देता हूँ। फिर आप इसके ऊपर आप मॉर्गेज कराओ, आप लीज जो भी कराना है आप कराओ, आपकी चीज़ आपको डिलीवर हो गई, हमारे कंधों से बोझ उतर गया। लोगों का मयारे ज़िंदगी बुलंद करने के लिए, मैं रिहाइश के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या क्या ऐसी सहूलियात हैं जो आपने यहाँ पर दी हैं और जो आपके इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से अलग करती हैं, जुदा करती हैं, मुनफरिद करती हैं? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जो है वो हमने वो कॉन्सेप्ट दिया है कि आप यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक है, 3 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है। जब 30 एकड़ ज़मीन होती है तो इसके अंदर में जो बाउंड्री है काफ़ी लंबी बनी हुई होती है, तो हमने 3 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक डाला है। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल डाले हैं, एक क्लब हाउस है, जो यहाँ पे रिहायशी लोग होंगे, जब अब जाहिर है आप क्लब की फीसें आप देखो, मेंबरशिप जो है वो 25-25 लाख रुपए की कराची में हो गई है। आपका यहाँ पे प्लॉट है, आपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो पे करना है और आप अपने जो है वो यहाँ पे आप एंजॉय करो, स्विमिंग करो, जिम यूज़ करो, सारी सहूलतें हमने यहाँ पे मैसर कर दी है लोगों को।
अच्छा, अगर हम इसकी लोकेलिटी की बात करें जहाँ पे ये कायम है, शहर के हवाले से तो कितनी अहम जगह है, क्या कहेंगे आप सिक्योरिटी के हवाले से? तो ये सारा कंटेनमेंट का एरिया है तो सेफ एंड सिक्योर ऐसा है कि हम रात को 3 बजे भी यहाँ पे आके ना कभी कभी बैठ जाते हैं कि यार यहाँ पे जो माहौल मिलता है, लड़के हमारे साथ ग्रुप होता है, वो शीशा वगैरह पीना वो यहाँ पे वो कर रहे होते हैं। तो एक ये चीज़ तो है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो है। आपको इसी रास्ते में काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो ग्रोइंग एरिया है बेसिकली। क्या वजह है कि आज आप जो हैं वो आसिफ मजीद साहब के साथ खड़े हुए हैं और आपने यहाँ पे ना सिर्फ आसिफ मजीद साहब को वक्त दिया है बल्कि आप अपने जो रियल्टर्स हैं उनको भी लेके यहाँ पर आए, कोई इसकी मखसूस वजह है? आपको पता है कि हमारी जो एसोसिएशन ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन तमाम कराची की नुमाइंदा एसोसिएशन है, तो यही वजह थी कि इनसे इंटरेक्ट हुआ और इंटरेक्शन के बाद जो हमने यहाँ पर बुनियादी चीज़ देखी वो डेवलपमेंट, लोकेशन और नेक नीयत बिल्डर, ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो एक बेहतरीन सोसाइटी का वजूद अमल में आता है। अच्छा, रियल्टर्स के लिए चूँकि आप रियल्टर्स के एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के सदर हैं, जब किसी सोसाइटी पे या जब किसी ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट पहले से हुई हुई होती है तो रियल्टर जो होता है उसका हौसला बुलंद होता है? सर देखो, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो सोने पे एक मिसाल है, सोने पे सुहागा, यानी कि एक एक बिल्डर जो है और पहले ही तमाम चीज़ें डेवलप दे रहा है आपको, तो इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती। और हम रियल्टर्स तो आपको पता है कि हर चीज़ की छानबीन करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, हर जगह से वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद हम पब्लिक को रिकमेंड करते हैं कि आप इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पर माशाल्लाह तमाम चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं। यानी डेवलपमेंट जैसे इकदाम जो हैं वो रियल्टर्स का भी हौसला बढ़ाते हैं कि वो जो है आवाम को, जो भी टारगेट ऑडियंस होती है उसको अच्छी तरह से मुतमईन भी कर सकता है, फिर मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें एक 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 वो कहते हैं दिखता है तो बिकता है, तो सब चीज़ें माशाल्लाह दिख रही हैं। और मैं तो तमाम कराची के जितने भी जनरल पब्लिक, खासकर इस एरिया से जो मलीर के सराउंडिंग में रहते हैं, जो मलीर कैंट में इस वक्त चूँकि आप देखेंगे करोड़ों में प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर अभी लाखों में है, तो जो अभी इस वक्त लेगा फ़ायदा उठाएगा और वो मलीर कैंट का मज़ा लेगा यहाँ। अच्छा कामरान साहब, बात करना चाहते हैं आपसे अल जदीद गल्फ हिल्स को लेके, आप कितना मज़ा आ रहा है काम करने में, लोगों को अप्रोच करने में कितना मज़ा आ रहा है, लोगों का रुझान कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपने बताया कि एसके प्रॉपर्टीज़ रियल स्टेट मार्केटिंग हमारी कंपनी है और हम डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अल जदीद के साथ जुड़ने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा ये आ रहा है कि अल जदीद का नाम जहाँ पे भी लेके जाते हैं आगे से हमें फूलों के हार मिलते हैं, कोई ताना को तागा को ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलती है। और इसको हमने जब अपने ऑन बोर्ड हुए इनके साथ तो हमने ये पहले आके इसको फिज़िकली पोजीशन देखी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क देखा, और इन सारी चीज़ों से बढ़ के देखें आपका जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जो मेन कंसर्न पर्सनैलिटी है उसको देखा जाता है कि ये जो कह रहा है वो करेगा या नहीं करेगा। तो उन्होंने एक ऑलरेडी जो उनकी कमिटमेंट होती है एक क्लाइंट के साथ वो पहले से फुलफ़िल की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके माशाल्लाह से 8 से 10 एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं जो के डिलीवर हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, आबादी है, हर बंदा आप किसी से भी जाके रैंडमली बात कर लें वो कहेगा जी अल जदीद हम खुश हैं, आसिफ मजीद साहब बिल्कुल ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उनके ऊपर आप भरपूर इत्मीनान कर सकते हैं। तो यही वजह थी कि हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और शुक्रगुजार हैं मैनेजमेंट अल जदीद प्रॉपर्टी स्पेशली आसिफ मजीद साहब के कि उन्होंने हमें काम करने का मौका दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है मेरी कंपनी और इनकी कंपनी का, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हम इससे बड़े और इससे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे अपनी कराची की जो भी नीड है उसको पूरी करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है और नीयतों का फल है। परवरदिगार अभी भी हमारी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अभी विजिट किए हिल्स के अलावा भी जो डिलीवर्ड हो चुके हैं और ये डिलीवर होने जा रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप अभी देख चुके और मज़ीद जो हमने माजी में जो प्रोजेक्ट अभी किए हैं जो डिलीवर किए हैं वहाँ भी लोगों से राय ले ली होगी आपने, तो माशाल्लाह डिलीवरी के बाद ही प्रोजेक्ट नज़र आता है। और बाकी मेन चीज़ जो मेरे पार्टनर ने आसिफ ने कहा कि मेजर जो सेक्शन है इस प्रोजेक्ट का वो शौक है, शौक जब होगा तो फिर उसकी कीमत नहीं है, वो फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंसिस वही करेंगे जो इनके शौक के अंदर शामिल होते हैं, वो क्वालिटी मैार के साथ चलेंगे, मैार से डिग्रेड नहीं करेंगे कभी भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली आसिफ है और हम लोग इस एरिया में तकरीबन 7 से 8 सालों में काम कर रहे हैं। जब शुरू में हमने यहाँ पे इस एरिया में हम बेस हुए थे तो इधर इतनी आबादी नहीं थी, तो
तो वालिद साहब का यही कहना था कि ये फ्यूचर एरिया है, यहाँ पे आने वाले टाइम में आप लोगों ने ही काम करना है और इसको हमने डेवलपमेंट करनी है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, माशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते गए, तो हमें यही लगा कि ये जो एरिया है वो एक डेवलपिंग एरिया है और शहर से करीब, मलीरकंड से करीब, एक पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर लोगों को हम यहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ दे रहे हैं, उनको एक ट्रस्ट बिल्ड किया माशाल्लाह। इधर हम रोज़ आते थे जब कोई भी नहीं आता था, तो यहाँ पे आके वक्त दिया, मेहनत की। अबू का एक ही विज़न था कि यहाँ पे लोगों को मैं आबादी लाना चाहता हूँ और जो ये सोसाइटीज़ हैं इसको एक पीसफुल इन्वायरमेंट और सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे लोग रहें और हमें दुआएं दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर भाई, आप जानते हैं कि ऑल कराची के प्लेटफॉर्म से हम सिर्फ कराची नहीं, कराची से बाहर, सिंध से बाहर, इस्लामाबाद हो या पिंडी हो या लाहौर की कोई सोसाइटी हो, वहाँ पर भी हम जाते हैं। उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हम रियल्टर्स की फलाह के लिए रोज़गार के मौके जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा फराम कर सकें वो अपनी ज़ात से हम कर सकें। यहाँ पर आसिफ मजीद भाई ने आज ये दावत दी और हमको यहाँ इन्वाइट किया। आज यहाँ पर आके यकीन करें, ये इनके मुँह देखी या जगह की बात नहीं है, दिल इंतहाई खुश हुआ। उसकी जो बेसिक वजह थी ना, वो ये थी कि ये काम से पहले डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, मेन इनकी नेक नीयत ही की है कि जो लोग जिनके पास घर नहीं है ना, उनका घर बन जाए। तो जब बिल्डर की ये नीयत होती है ना, और फिर यहाँ इनकी कोई पेनल्टी का सिस्टम नहीं है, अगर एक छोटे आदमी ने अगर यहाँ कोई प्लॉट लिया है कहीं वो फंस जाता है और उस जेनियन रीज़न है, तो हमारे ये आसिफ भाई हैं उनके साथ कॉपरेट करते हैं। और ये लिंक रोड पर भी 300 एकड़ पर अल जदीद हिल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लेके आए, क्योंकि अभी इस वक्त गरीब आदमी का या छोटे आमदनी जिसकी 2 लाख रुपए की भी इनकम है ना, उसको प्लॉट लेना, घर लेना बहुत मुश्किल हो गया। तो अल जदीद हिल्स में आप प्लॉट ले सकते हैं, अल्लाह इनको कामयाबी अता करे। यही कहेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट जो इन्होंने की है, ऐसी कोई भी बिल्डर आपको कहीं भी देख लें कराची में, इतनी डेवलपमेंट नहीं, बुकिंग से पहले जो काम किया हुआ है इन्होंने, जो सारी डेवलपमेंट रोड्स वगैरह सारा काम हुआ हुआ है और लोग रह रहे हैं, तो ऐसा बिल्डर आज नहीं मिलता इस ज़माने में। बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोगों का कहना यही है कि अल जदीद गल्फ हिल्स जो है वो एक बड़ा शानदार मंसूबा है, और उसके फीचर्स की अगर बात करें तो डेवलपमेंट पहले हैं, ख्वाब जो है वो नहीं बेच रहे हैं, हकीकतों पे बात हो रही है, बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है, सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी है, काम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। और जिधर ये प्रोजेक्ट है और कराची के जिस इलाके के अंदर है वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो कोई वजह नहीं बनती कि यहाँ पे की जाने वाली सरमायाकारी ना सिर्फ सिक्योर है बल्कि मुनाफा बख्श भी साबित होगी मुस्तकबिल में। बहुत शुक्रिया। अल जदीद गल्फ हिल्स के दौरे के बाद अल जदीद प्रॉपर्टी इंतजामिया की जानिब से ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के एजाज में हाई टी दी गई। और इस दौरान इस जरूरत को महसूस किया गया कि मुतमईन रियल्टर्स अल जदीद की हकीकी रौनकों और तरक्याती कामों को अवाम में मुतारिफ करवाएंगे, जहां एक जदीद मयार जिंदगी अवाम का मुंतजर है।